ಚೋರಿ ಕರವಾಣಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮನು ಭಾಯಿ. आपका नाम? रमेश कुमार. रमेश जी, क्या हुआ है, कैसे, क्यों आज आपने धरना प्रदर्शन किया, रोड जाम कर रखा है भवाना? 2 तारीख में भैया रात ने भैंस चोरी हुई, हमने 100 नंबर पर कॉल करी, पुलिस ने कोई कार्रवाई हमारे साथ नहीं करी. तो कितनी भैंस चोरी हुई है, ऐसे क्या था उन भैंसों में, कितने लाख रुपए की थी वो? भाई एक मुर्रा नस्ल की भैंस थी, 10 लाख कीमत थी और 2 की 3 लाख कीमत थी, 30 लीटर की एक थी, 18-18 की 2 थी, टोटल 13 लाख रुपए की, टोटल 13 लाख कीमत. जब आपकी भैंस चोरी हुई, कोई प्रूफ, कोई सीसीटीवी कैमरे में चोर आए? उनको सब कुछ दिया है पेन ड्राइव में पुलिस को. तो क्या पुलिस का क्या काम रहा, पुलिस ने क्या रवैया दिखाया? हमारे से पूछताछ करी, हमारे से वो उल्टी बकवास कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे थे, कितने बजे उठे, क्या किया, तो कर कर पूछ के आगे. आज आपने भैंस को लेके रोड जाम किया है, कब तक इस तरह करोगे रोड जाम? हमारी भैंस नहीं मिलेगी, नहीं तो भैया 3 दिन के बाद हमने आत्महत्या करनी करनी है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ. दोबारा रोड जाम करेंगे 3 दिन बाद भाई. सुलह होगी तो क्या हुआ, रोड तो जाम हो गया, नंबर दे के जाना भाई अभी ऐसे मजे. हाँ ठीक है. मेरा नाम रणवीर सिंह है. रणवीर जी बताइए क्या मामला है, पूरा रोड जाम क्या हुआ है? देखिए, 2 तारीख की रात को 11:30 बजे भैंस चोरी होती है जी. उसके बाद हम 100 नंबर पर कॉल करते हैं सुबह 3 बजे के आसपास और पुलिस बुलाते हैं, पुलिस वाले इन्हीं से उल्टे सीधे जवाब करती है और हमारे खिलाफ कोई हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं की पुलिस ने अभी तक. सीसीटीवी बरामद हुआ? सीसीटीवी बरामद हुआ, 5 आदमी उसमें, एक धारदार हथियार ले रखे उसने एक ने, और तो एक भैंस की कीमत उसमें 10 लाख रुपए है, 2 भैंस की कीमत 3 लाख रुपए है, एक भैंस 30 लीटर दूध की है और दूसरी भैंस है 18-18 लीटर दूध की है. आजम खान की भैंस चोरी हुई थी, पुलिस ने 1-2 घंटे में भैंस बरामद कर दी. एक गरीब आदमी की भैंस चोरी होगी, उसको कोई बरामद नहीं कर रहे. 2 घंटे में क्या, आधे घंटे में? आज आपने रोड जाम किया है, हमारी पुलिस ने सुनवाई नहीं करी, इसी दौरान हमने रोड जाम किया है. कौन सा चौक है ये? ये पवाना चौक है. ऐसा कब तक करेंगे आप, किस तरह? हम पुलिस वालों से भी बातचीत करते हैं और हमारी भैंस नहीं मिलती तो हम दोबारा रोड जाम करेंगे. Thank you.